Hello, my dear students. How are you doing? Hope you all are fine. Welcome to the English class. Our today's topic is Now That I Can Read. This is the chapter number 13 from your English book, page number 90. This is a small, very little poem in which the poet wants us to convey a message that when he was a little child, जब poet एक छोटा सा child होता है, तो वो कौन सी चीज़ें experience करता है regarding his studies. लेकिन अब जबकि वो ग्रोन अप हो गया है, अब वो क्लास फर्स्ट में है, अब छोटे छोटे बच्चों की तरह ही इज इन ग्रेड फर्स्ट, तो अब कौन सी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई यूज्ड टू नीड समबडी टू सिट एंड रीड टू मी. आई वुड लाइक अ लुक एट एवरी पेज दैट दे रीड एंड लिसन केयरफुली. पोएट इज सेइंग, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब भी मैं कुछ पढूं तो मेरी स्टोरी को, मेरी पोएम को, मैं जो कुछ भी पढूं तो सामने से देयर शुड बी समवन हु लिसन इट केयरफुली. कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी स्टोरी को, मेरी सब्जेक्ट को, मैं जो भी पढूं वो उसको केयरफुली आराम से सुने. जो भी मैं अपनी जब मैं अपनी बुक खोलता हूँ, मेरी बुक का हर एक वर्ड, हर एक पेज कोई केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुने. केयरफुली मीन्स बहुत ध्यान से. लिसन होता है सुनना. तो कोई ऐसा हो जो मेरी रीडिंग को बहुत ही ध्यान से सुने. बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड, आई एम फिलिंग अप अ शेल्फ विद स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स दैट आई कैन रीड माई सेल्फ. बट नाउ अब तो मैं ग्रेड फर्स्ट में हूँ, आप बच्चों की तरह, तो अब मेरे पास बहुत सारी बुक्स है. मेरे घर में तो जो बुक शेल्फ्स है वो भर भर के है बहुत सारी बुक्स है. और कौन सी बुक्स है मेरे पास? आई हैव स्टोरी बुक्स जिनमें पोइम्स भी है, और ऐसी बुक्स है जिनमें स्टोरीज है, और बहुत अदर टाइप्स ऑफ बुक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. ओके, आई विल रिपीट इट. आई यूज टू नीड समबडी टू सिट एंड रीड टू मी. जब मैं छोटा था तो मैं बोलता था किसी को, मैं चाहता था कोई ऐसा हो जो मेरे साथ बैठ के मेरी रीडिंग को सुने. आई वुड लुक एट एवरी पेज दे रेड एंड लिसन केयरफुली. आई वुड लुक एवरी पेज दे रेड एंड लिसन केयरफुली. और जब भी मैं कुछ पढ़ूँ, मैं उनकी उस रीडिंग को, जब मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कोई उसे सुने. कभी मेरी मम्मा या कोई पेरेंट्स जब होते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं, तो हमें केयरफुली सुनना चाहिए. इसी तरह ये बच्चा कहता है, अगर कोई पढ़ता है तो मैं उसको केयरफुली सुनना पसंद करता हूँ, और जब मैं पढ़ूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि उसको कोई केयरफुली सुने. बट नाउ दैट आई एम इन ग्रेड फर्स्ट, आई एम फीलिंग अप. और जबकि मैं अब मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, ग्रेड फर्स्ट में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, बुक्स ऑफ स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स. लेकिन अब तो मुझे वो खुद ही करना है, अब मुझे खुद ही पढ़ना है, बिकॉज आई एम ग्रोन अप. थैंक यू.